केचुए कारा के कमरे में क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? मुझे सबने को बताना पड़ेगा। चुड़ैलो कोई शक और 6 दिन नहीं 6 सेकंड में ये घर खाली करना होगा, लेकिन मुझे नहीं तुझे। अर्जुन जी कैसा लग रहा है? ये क्या कह रही हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अफसोस बेबी डॉल, लेकिन ये चिकना चुपड़ा शरीर तो तुझे छोड़ना ही होगा। वैसे एक बात बताऊं, ये आफत खुद तूने अपने सर पर ली है। क्यों समझ नहीं आया? अरे जड़ बुद्धि, अपना सुरक्षा कवच वो ताबीज उतारने की क्या जरूरत थी? ए, ये क्या कर रही हो तुम? उस लड़की से बचने के लिए और हर एक बला से बचाने के लिए डबल ताबीज बांध रहा। अब गलती की है तो भुगतनी तो पड़ेगी ही। रीमा, ये तो रीमा की आवाज है। तारा, तारा दरवाजा खोलो। दिया बंदर हो? रीमा, ये दिया बंदर हो क्या? सिमर बेटा, रीमा तारा के कमरे में कहीं क्यों? वहां उसका क्या काम? बड़ी माँ, वो दी को तारा पे शक था, इसलिए वो उनका सामान चेक करने आई थी। व्हाट? तारा दरवाजा खोलो। तारा ओपन द डोर। रीमा तू मुझे सुन सकती हो? रीमा छोटे एक काम कर, दरवाजा तोड़ दे। ओके। तेवर जी थी आप सब एक साथ यहाँ? रीमा 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 तेवर जी थी विवाह? रीमा अंदर नहीं। कहाँ है रीमती? कहाँ छुपाया तुमने उन्हें? रीमा दी मेरे कमरे में क्यों होंगी? इनफैक्ट मैंने उन्हें खुद बाहर जाते हुए देखा था। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ दी यहाँ आई थी, उन्होंने खुद मुझे बताया था। अरे वो अंदर नहीं आई थी। सिमर झूठ नहीं कहती, वो अगर कह रही है रीमा यहाँ आई थी तो आई थी। प्लीज झूठ बोलना बंद करो और बताओ कहाँ पे है रीमा। मेरे श्री देखो, अगर तुमने मेरी दी को नुकसान पहुंचा है ना तो मैं। अरे आपकी इमेजिनेशन है या कोई हवाई जहाज बस उड़ता ही चला जा रहा है?
मैं भला आपकी दी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा यहाँ रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। पहले दिन से ही उसे तुम पे शक है। तुम्हारे कदम यहाँ पड़ते ही उसे एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। याद रखना, अगर रीमा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये अच्छा है, पहले आप लोग घर में बुलाते हैं, महान बनते, रहने के लिए जगह देते और फिर उसके बाद सब ऐसे सवाल पूछते। लेकिन मुझसे सवाल क्यों पूछे जा रहे? क्योंकि मैं अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, बस इसीलिए। रीमा दी कहाँ गई है, क्यों गई है, मुझे कैसे पता होगा? और अगर आप लोग को इतनी फिक्र है उनकी तो आप उन्हें फोन कर लीजिए ना। मैं रीमा बाप्स को फोन करता हूँ। देवर जी, ये तो दी के फोन का रिंगटोन। हाँ। दी, अंदर आओ। देखो सब लोग कब से आपको ढूंढ रहे, बताओ इन्हें आप कहां थे अब तक? दी, दी आप कहाँ थे? आप ठीक हो ना? आपकी चीखने की आवाज सुनी थी दी। हाँ रीमा, हम सबने तुम्हारी आवाजें सुनी। कहाँ थी तुम? अब मुझे क्या होगा, मस्त हूँ मैं। अरे लेकिन तुम थी कहाँ इतने सालों से ना? क्या मेरा मतलब है, इतने दिनों से चाट नहीं खाई थी ना, तो बड़ा मन मचल रहा था इसलिए चाट खाने गई थी। तुम सबके लिए भी लेके आई हूँ, खाओगे ना? चलो। वाह, ये मजे करने गई थी, चाट लेने गई थी, और आप सबने मेरे साथ क्या किया? इतने सवाल पूछे, इतने ताने मारे, जैसे मैंने आपकी रीमा दी को नुकसान पहुंचाया हो। अरे तुम लोगों ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? बड़ी भली लड़की है ये। मगर थी, हमने आपकी चीखने की आवाज इसी के कमरे से सुनी थी, आप मुझे खुद बताकर गई थी ना कि आपको इस पर शक है। और अरे बस करिए राम कहानी, कान पक रहे हैं मेरे, चाट खानी है मुझे। चलो चाट खा। अरे चाट लेने के लिए चाट खाते, चाट खाते, चलो चलो चाट खा। देखो क्या हो गया। इतने दिनों बाद चाट खा के मजा आ गया। और तारा वहां पे क्यों खड़ी है? आ हमारे साथ बैठ, चाट खा, बड़ी मस्त है। ये रीमा दी अचानक से इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रही?
पर अचानक से उनको तारा पर इतना प्यार कैसे आ गया? What's wrong? नाच मेरी रानी नाच, जितना नाचना है नाच, लेकिन सिर्फ मेरे इशारों पे। और गलती से भी ये मत भूलना कि हाँ हाँ तू जो बोलेगी मैं सब करेगी, चिंता मत कर। वैसे भी इतने सालों बाद ऐसी जिंदगी जीने को मिल रही है। हाँ हाँ भाई जी ले अपनी इंसानी जिंदगी, जितने मजे लेना है दुनिया के ले ले। वैसे सच कहूं इस शरीर में जीने का अलग ही मजा आ रहा है यार। क्या चमड़ी है, क्या आंखें हैं, क्या कद है, क्या काठी है, मतलब अपने से पहली बार प्यार हो रहा है मुझे। वैसे तूने उस आइटम रीमा का क्या किया? वही जो हमारे साथ होता है। एक काम दिया था तुम दोनों को कि आराम से चुपचाप कर देना, किसी को पता नहीं लगना जी, लेकिन नहीं, सब बिगाड़ दिया। ऐसे सबके सामने पार्टी का सामान गिरा दिया। अगर आरव भाई को पता चला ना तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी। तुम लड़के एक बात गांठ बांध लो, घर की औरतों से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। वैसे एक बात बताओ, क्या सब कुछ ये लाल लाल क्यों है? क्योंकि लाल रंग प्यार का होता है बड़ी माँ। भाई ये सब क्या है? हाँ ये सब क्या है? मत पूछो, सारी प्लानिंग की धजियां उड़ गई। क्या बताएं भाभी, अब सब कुछ आपके सामने है, सरप्राइज का ऐसे भी नहीं बचा अब तो। भाई तुम्हारे जनरेशन के लिए प्यार का रंग लाल होता होगा, लेकिन हमारे जमाने में लाल रंग चुड़ैलों का होता था। चुड़ैले ना लाल रंग देखकर बहुत आकर्षित हो जाती हैं और घर के अंदर चली आती हैं। हमारे पास बहुत किस्से हैं चुड़ैलों के, सुनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सुनाइए ना बड़ी माँ, हमें भी तो पता चले कि चुड़ैले सुंदर होती हैं या डरावनी। बताइए बताइए। हमारे जमाने में ना बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद बरगद के पेड़ के आस पास खुले बाल लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बरगद के पेड़ पर चुड़ैलों का वास होता है। अगर तुम वहां गए तो चुड़ैल तुम्हारे कंधे पर आकर बैठ जाती है, और एक बार वो तुमसे चिपक गई तो जिंदगी भर जाने का नाम नहीं लेती। इसलिए डर के मारे खुले बाल किया, जूड़ा बांध के भी बरगद के पेड़ के आसपास नहीं पटकते थे। लेकिन बड़ी माँ ये चुड़ैलों को पहचानते कैसे हैं? मतलब अगर कोई चुड़ैल सामने बैठी हो या खड़ी हो तो ये पता कैसे चलेगा कि वो साधारण लड़की है या चुड़ैल? पता है कुछ चुड़ैलें बड़ी आकर्षक होती है, लेकिन उनका चेहरा कितना भी सुंदर हो, मनमोहक हो, लेकिन नाखून लंबे और गंदे होते हैं, पांव उल्टे
और हंसी, बाप रे बाप, वो तो बहुत डरावनी होती है। खूब खबर बटोर के रखी है बुढ़िया ने। वो आसपास होती है तो एक बेचैनी सी होने लगती है, उनकी मौजूदगी मन को अकारण ही अशांत कर देती है। बड़ी माँ, लेकिन कंफर्म करने का और भी कोई रास्ता होगा ना, क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली, इतनी मायावी होते हैं कि अपना रूप भी बदल सकते हैं ना। सिमर बेटा, यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि वो साधारण लड़की है या फिर कोई चुड़ैल। तुम लोगों के चेहरे देखो। अरे बेटा, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते थे। बड़ी माँ प्लीज, हम लोग कुछ और बातें करते हैं ना मिलकर, ये चुड़ैल की बातें बंद कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज। सॉरी सॉरी बेटा, हम चल, हम प्यार की बातें करते हैं। ये भी सही है, आप सबको जितना शक करना है करते रहिए, क्योंकि मेरी असलियत जानने में जन्मों गवा दोगे।